अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए गुलाब जामुन की रेसिपी लेके आए हैं जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए देखते हैं गुलाब जामुन बनाने की जरूरत होगी। ये हमने 200 ग्राम खोया लिया है, ये हमारे घर का बना हुआ खोया है। अगर आपने मेरे खोए की रेसिपी नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके खोए की रेसिपी देख सकते हो। और ये हमने हाफ कटोरी मैदा लिया है और 2 कटोरी शुगर। हमने इलायची पाउडर लिया है 1 स्पून, लेमन शुगर सिरप बनाने के लिए और काजू जिसे हम अंदर फील करेंगे गुलाब जामुन के। तो चलिए अब हम गुलाब जामुन बनाते हैं। सबसे पहले हम प्लेट में खोया डाल लेते हैं। अब इसे अच्छे से अपने पाम से हाथों से मैश कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारी अम्मी हाथों से बहुत ही अच्छी तरीके से मैश कर रही है। आप लोग भी इसे जितना मैश करेंगे हमारे गुलाब जामुन उतने ही सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। तो चलिए अब हम इसमें मैदा डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप लोग देख सकते हो हमारी अम्मी बहुत ही अच्छे तरीके से खोया को मैश कर रही हैं। आप लोग इसे जितना मैश करोगे आपके गुलाब जामुन उतने ही सॉफ्ट और अच्छे बने। हमारा बैटर अब रेडी हो चुका। तो चलिए अब हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इसमें जो हमने काजू लिया था उसे हम इसमें फिल कर देंगे। हमारी अम्मी जब तक गुलाब जामुन बना रही है तो चलिए तब तक हम गुलाब जामुन का सिरप बना लेते हैं। तो चलिए अब हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी के लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया हुआ है। अब हम इसमें जो हमने चीनी ली थी इस पैन में हमने 2 कटोरी शुगर डाल दी है और 2 कटोरी पानी। अब हम इसे अच्छे से स्पैचुला से मिक्स कर देंगे ताकि हमारी चीनी नीचे ना चिपके। अब हमने जो इलायची पाउडर लिया था उसे भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने जो नींबू लिया था अब उसे भी इसमें डाल देंगे। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अब हमारी चाशनी बनके तैयार है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। देखिए इसका टेक्सचर ऐसे होना चाहिए, ना इसमें तार बननी चाहिए ना एकदम पानी जैसा होना चाहिए। तो चलिए अब गुलाब जामुन को देखते हैं। गुलाब जामुन भी बनके रेडी है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा ली है। अब हम इसमें 1 कटोरी घी डाल देंगे और रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप घी में फ्राई करना चाहते हो घी में फ्राई कीजिए, अगर घी ना हो तो रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो। घी अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें गुलाब जामुन की जो बॉल्स बनाई थी उसे डाल शेप करते हैं। हमारा घी गर्म हुआ है या नहीं, गर्म नहीं हुआ है, इसे हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो गुलाब जामुन काले हो जाएंगे, उसे हमें लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। हमारा घी अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बॉल्स डाल देंगे, लो फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। आप लोग देख सकते हो इसका ब्राउन कलर आ गया है।
अब हमें इसे जो हमने चाशनी बनाई थी अब उसमें डाल देंगे। चलिए इसे चाशनी में डाल देते हैं। इसी तरह हमें सारे गुलाब जामुन फ्राई कर लेने हैं। रेडी है, इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हो हमारे गुलाब जामुन बनके अब रेडी हो चुके हैं। ये देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं खाने में भी उतने ही टेस्टी है। तो चलिए इसे कट करके देखते हैं। आप लोग देख सकते हो इसके अंदर तक जूस भरा हुआ है, ये कितने जूसी है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़।